अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट बन जाने वाले टी स्नैक्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची और ऐसे मिनटों में बन जाते हैं। तो चलिए फिर आगे फटाफट हम बनाते हैं। आलू मैंने पहले से ही बॉयल कर लिए थे और देखिए इनको अच्छे से मैश करना है ताकि कोई भी मोटा दाना ना रहे। मसालों में मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कुटी हुई मिर्च सब मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच हरा धनिया ले लिया है, आप इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। इस पॉइंट पे आप चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें मसाला रेडी हो गया। अब मैंने 1 कप लिया है मैदा, जी सिर्फ 1 कप मैदे से बहुत सारे हमारे क्रंची क्रंची टी स्नैक्स बनने वाले हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सी मैंने इसमें अजवाइन जो है वो मसल के ऐड कर ली थी, और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम था, 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है, और बस अब पानी के साथ हमने नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंद लेना है। तो आप देखिए माशाल्लाह से 1 कप से बहुत सारे बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और ऐसे झटपट मिनटों में बन जाती है, आप बच्चों को जो है टिफ़िन में भी दे सकते हैं बना के। तो थोड़ी देर के लिए मैंने आटा रख दिया था ताकि नरम हो जाए। अब यहाँ पर हम बनाते हैं चपाती, तो आप चाहें तो छोटी बड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टील का एक बर्तन यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो कोई भी स्टैंड ले लें जो अवेलेबल हो। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर दिया था ताकि रोटी हमारी चिपके ना, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, हमने कोई सा भी स्टैंड ले लेना है, कोई कवर ले लेना है। मेरे पास ये स्टील का था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली क्या करना है, हमने थोड़ा सा गैप रखना है और राउंड अबाउट इसके जो है जो आलू का पेस्ट बनाया था ना मैंने, वो सारा इसके ऊपर जो है हमने कवर कर देना है। देखें इस तरीके से हम चम्मच से कर लें या किसी भी चीज़ से कर लें जिससे आप इजी फील करते हो। तो देखें इस तरीके से हमने अच्छे से कवर कर देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आप चीज़ यूज़ करेंगे उसको आपने टाइटली प्रेस नहीं करना, नहीं तो आटा जो है वो सेंटर से कट हो जाएगा। देखें हमने ये रिमूव कर दिया है। अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से जैसे पिज़्ज़ा कट करते हैं ना उसी तरीके से हम इसके कट लगाएंगे। हमें कम नहीं लगाने, थोड़े से ज़्यादा इसके पीसेस रखने हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके सेंटर में हमने पानी लगा लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम इसकी शेप बनाएंगे तो फिर ये चिपकेगा नहीं और फिर हमारी जो है वो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, तो इसको पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसके रोल कर रही थी और अच्छे से इसको मैं प्रेस कर रही थी। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारे रोल टाइप बन गए हैं, बहुत खूबसूरत शेप के साथ। अगेन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हल्के से हमने थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना है, ज़्यादा नहीं, और इस तरीके से हमने ये देखें इसकी शेप बना लेनी है। तो आप चाहें तो स्टैंड के ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाह रहे, कोई मुश्किल आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें से एक पीस निकालें और इस तरीके से देखें हल्का सा मैंने इसको खींचा है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है। तो इस तरीके से मैंने सारे बना लिए थे। अब करते हैं फ्राई, मीडियम टू लो फ्लेम पे, हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी, भूल के भी नहीं आपने हाई रखना। अगर आपने फ्लेम हाई पे इसको बनाया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी मेहनत जो है वो फिर ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल कम फ्लेम पे इसको बनाना है। तकरीबन देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया, मैंने चमचा बिल्कुल भी नहीं हिलाया। तो इसी तरीके से आपने भी करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाना है और एकदम से डालते हुए इसको हिलाना नहीं है। अब देखिए ये जो है बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम जो है हल्के हल्के इसको हिलाते रहेंगे ताकि जो है इनका जो कलर है वो सेम आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है और आप बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और जो आटा बच गया था तो मैंने फिर उनके छोटे छोटे पीस बना लिए ताकि ज़ाया ना हो। तो ये भी आप कर सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। तो चलिए जी फिर इसका फाइनल लुक देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी बने हैं और देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।